हम चर्चा करेंगे 1947 के पूर्व के भारत की, कि जब हमारा देश गुलाम था। उस समय थोड़ा इस देश की तस्वीर आप अपने आंखों के सामने लाइए। गेहूं और चावल उस समय आयात होते थे और भारत के अंदरूनी इलाकों में भूखे नंगे बच्चे खेलते, कुपोषण के वजह से कई बालक बालिकाएं मर जाते थे। धन का अभाव, संसाधनों का अभाव, लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी, ऐसा भारत उस समय के भारत में और आज के भारत में फर्क है। मुश्किल से कोई ऐसे गांव होंगे जहां बिजली नहीं होगी। सड़कें गांव गांव तक पहुंच गई, बिजली घर घर तक पहुंच गई, गांव गांव तक पहुंच गई। मोबाइल का जमाना आ गया, आपके इस छोटे से मोबाइल से आप देश विदेश में कहीं भी मिनटों में बात कर सकते हैं, पैसों में बात कर सकते हैं। वो जमाना आज आ गया। रेडियो टेलीविजन इतनी चैनलें, पहले ये समझते थे कि संसाधनों के अभाव में सड़क नहीं है इसलिए दुखी हैं, सड़क बन जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, बिजली नहीं है तो हम दुखी हैं, जब बिजली आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, कपड़े नहीं है हम दुखी हैं, जब कपड़े हो जाएंगे हम सुखी हो जाएंगे। आज कपड़े भी आ गए सबके घर में। पहले मकान नहीं था, 1947 में जो लोग आए वो अब संपन्न हो गए, गाड़ियां मोटर हवेलियां मकान दुकान भरा पूरा परिवार हो गया। जरा झांक कर देखो अपने दिल में, क्या दुख मिट गया? मैं वही बात निवेदन कर रहा हूं कि कपड़े मिल गए, गहने मिल गए, गाड़ी मिल गई, मकान मिल गया, दुकान मिल गया, दौलत मिल गई, ऐश आराम के साधन मिल गए, फिर भी मनुष्य के हृदय में जो अशांति की ज्वाला है वो शांत नहीं हुई, जो तृष्णा है वो पूरी नहीं हुई, जो दुख है वो खत्म नहीं हुआ। मानना पड़ेगा कि धन के हम्बार लग जाएं फिर भी दुख नहीं मिट सकता, गाड़ी मोटर मिल जाए तो भी दुख नहीं मिट सकता, गहने आ जाएं दुख नहीं मिट सकता, खाने पीने का सुविधा हो जाए तो दुख नहीं मिट सकता। दुख को मिटाने का केवल साधन है तो वो है भगवान का भजन, उसी से दुख मिट सकता है, सत्संग से दुख मिट सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 17 पुराणों की रचना हो गई, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया वेदव्यास महाराज ने। और ये भागवत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि न रोधयति माम योगो, कि मैं योग से उतना वश में नहीं होता, सांख्य से वश में नहीं होता। न रोधयति माम योगो न सांख्यम कर्म एवच न स्वाध्यायस तपस्त्यागम इष्टापूर्ति न दक्षिणा यथा अवरुद्धो सत्संग। जितना मैं सत्संग से वश में होता हूं उतना वश में करने वाला मुझे कोई साधन नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और इसलिए सत्संग ज्ञान यज्ञ है, ये सत्संग ब्रह्म यज्ञ है, ये सत्संग आत्म यज्ञ है, और ये सत्संग से पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। इसलिए जब जब ऐसा अवसर मिले तो लाख काम जरूरी आए हों तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन करोड़ करोड़ काम छोड़कर भी सत्संग का रासा स्वादन करना चाहिए, इतनी महिमा है। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन कर लो,
सहस्त्रम स्नानम आचरेत, कि हजार काम छोड़कर स्नान कर लो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, लेकिन कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ करोड़ काम आए हों तो बाद में, लेकिन हरि का नाम। वेद भगवान की आज्ञा है कि जो सज्जन हैं, जो साधक हैं, जो सत्पुरुष हैं, उनके हृदय में प्राणी मात्र के हित की भावना और एकता होनी चाहिए। आपने देखा होगा चींटी, मच्छर, मधुमक्खी, इन लोगों के भीतर संगठन है और संगठन के कारण वे उनकी क्षमता से अधिक उन्नत देखे जाते हैं। कड़ी से कड़ी, लाइन से लाइन मिलाकर चींटी चलती है, मिलकर रहती है और अपने से कई गुना अधिक वजन उठाकर बढ़ती है। ये मधुमक्खियों में देखो संगठन की शक्ति कितनी गजब की है। मधुमक्खियों में भी दो ग्रुप होते हैं, एक तो शहद फूलों से लेकर आने वाला ग्रुप और दूसरा ग्रुप उस लाए हुए रस को, शहद को संभाले रखने का ग्रुप। इतना मैनेजमेंट तो उनके पास भी है, न तो वो किसी स्कूल में गई, न कॉलेज में गई, न उन्होंने एमबीए किया है, न बीबीए किया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जयराम जी की बोलने में कंजूसी मत करो भैया, जयराम जी की। ये छोटे छोटे जीव हैं, लेकिन देखो कितनी यूनिटी, कितना संगठन है, कितना अच्छा मैनेजमेंट है। और इंसान पढ़ा लिखा, यूनिवर्सिटी में गया, न जाने कितने सर्टिफिकेट पाए, लेकिन अगर इतना भी नहीं सीख पाया कि संगठन किसको कहते हैं, एकता किसे कहते हैं। वेद कहते हैं सम गच्छध्वम, कि साथ में मिलकर चलो, सम वदध्वम मिलकर बोलो, आपके मन, आपके विचार, आपकी बुद्धि एक दिशा में काम करने वाले हो। जिस हृदय में द्वेष, वैर और नफरत होती है, उस हृदय को ठीक उसी प्रकार वो खोखला बना देती है जिस प्रकार उधई जिस लकड़ी में लगती है उस लकड़ी को खोखला बना देती है। ठीक उसी प्रकार ये द्वेष और वैर, ये वैमनस्य और नफरत वैसी ही चीजें हैं। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से, स्नेह से, भक्ति की शक्ति से परिपूर्ण सत्संग की गंगा बना देती है। ये सत्संग क्या है तो कहा कि प्रयागराज है, जिसमें ज्ञान की गंगा है और भक्ति की यमुना है और योग की गुप्त सरस्वती है। यह सत्संग, उस गंगा में नहाने से तो सर्दी लगने की संभावना, बह जाने की संभावना है, बुखार हो जाने की संभावना है, लेकिन न इसमें डूबने का भय है, न बहने का डर है। इसमें तो जो नहाता है वो तर जाता है, डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अमर बनाने की विद्या है। ध्यान और योग कई बीमारियों को ठीक करता है। ये ध्यान को एक चिकित्सा के रूप में आज के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में जो अस्पतालें हैं, उन अस्पतालों में विशेष रूप से प्रेयर हॉल बनाया जा रहा है और उसको कंपलसरी किया गया है। और ये प्रयोग हुए, ये अन्वेषण हुआ कि वे मरीज, वे रोगी की जो ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं, उन रोगियों, उन लोगों की अपेक्षा जल्दी ठीक होते हैं जो ध्यान योग का अभ्यास नहीं करते। केवल आसन करने को योग नहीं कहते, केवल प्राणायाम करने को योग नहीं कहते। योग के 8 अंग बताए,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। आसन और प्राणायाम ये तो योग के एक अंग हैं, लेकिन आठों अंग जब मिल जाते हैं तब वो संपूर्ण योग होता है। कि गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिम तु कारयेत्। गुरु ने मार्ग बताया, उपदेश दिया। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु ने जो उपदेश दिया, जो प्रवचन में कहा, जो मार्गदर्शन दिया, जो प्रयोग करवाया, जो तरीका सिखाया कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करो, ऐसे ऊर्जाई कुंभक करो, इससे पूरे शरीर का शोधन हो जाता। आपके हमारे शरीर के अंदर सात चक्र है, 24 घंटे में 21,600 बार हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, 16 उपत्यकाएं हैं, 7 चक्र हैं और 72,000 नाड़ियां हैं। जब हम ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो इन सब के ऊपर सात्विक प्रभाव पड़ता है और एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसको स्पिरिचुअल ऑरा कहते हैं वो विकसित होती है।